तुमने मुझे जुहेब के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या बताती नानू, और इस बात से मुझे या आपको क्या फर्क पड़ता है कि जुहेब इस घर में रहता है और ताई जान का बेटा है? हमें क्या करना है? शहनाज ने वहां आकर कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की? सब ठीक तो था ना? जी सब ठीक है नानू। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि शहनाज तुम्हारी तरफ जा रही है। अगर मुझे जरा सा भी मालूम होता ना, मैं उसे कभी ना जाने देती। हादिया? जी नानू। पता नहीं बेटा, तुम मुझे खुश नहीं लग रही हो। शौकत तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? जी सब ठीक है नानू। बेटा, मर्द मजबूर होकर अपनी बीवी के साथ बेवफाई तो कर सकता है, लेकिन औलाद के मामले में बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि औलाद उसकी आंख का तारा और दिल का सुकून होती है। शायद आप ठीक कह रही है नानू। बाबा के लिए उनकी औलाद उनके दिल का सुकून जरूर है, लेकिन ये अलग बात है कि शायद बाबा ने कभी मुझे अपनी औलाद समझा ही नहीं। क्या कहा तुमने? तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है बेटा। कुछ नहीं नानू। मैं तो बेटा सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। नानू प्लीज, आप अमानी को कुछ नहीं कहिएगा। वो मेरी मोहब्बत में ही इधर आई थी, मेरी मोहब्बत ही उन्हें खींच के इधर लेकर आई थी। जानती हूँ उसकी मोहब्बत को। इतने सालों तुम इस घर में रही, जब तो उसने कदर नहीं की, तुम तो उसकी आंखों में खटकती थी। अब इतने सालों के बाद ये मोहब्बत कहाँ से आ गई? नानू आपने ही तो कहा था कि लोगों की नीयतों पर शक नहीं करते। बस जो हुआ उसको भूल जाएं, और आप प्लीज मुमानी को कुछ नहीं कहिएगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी मुमानी को कुछ नहीं कहती। तुम यहाँ से चली गई हो बेटा, अब भी तुम्हें इस घर की इतनी फिक्र है? वो जैसे भी है नानू, लेकिन शायद वही मेरे अपने। और आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है?